दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ग्लोबल बाउंड्री। सांप की फितरत है काटना और बिच्छू की फितरत है डंक मारना। अगर सांप काटना छोड़ दे और बिच्छू डंक मारना छोड़ दे तो कहा जाएगा वो नाकारा है, नपुंसक है, किसी काम का नहीं है। कुछ इसी तरीके से बीजेपी का भी हाल है। यानी बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करती है और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात करती है और इसी ज़रिए से वो चुनाव जीतती है। और अगर ये बीजेपी ये हरकतें ना करे तो बीजेपी को कहा जाएगा वो अपने मकसद में फेल है, नाकाम है, अपने एजेंडे को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क नहीं है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? बात दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार अंत वो हरकतें कर ही दी जिसका लोगों को इंतज़ार था। कौन सी बात योगी आदित्यनाथ ने कही है और क्यों लोगों के दरमियान ये चर्चा का विषय बन गया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा और मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिला दी और उसमें हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की बात कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी और राजभक्तों पर निर्ममता से गोली चलवाने वाले क्या जनता जनार्दन से वोट मांगने के हकदार हैं? ये सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटाक्ष है मुलायम सिंह यादव पर, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी 90 के दशक में और एक तरीके से हिंदू भावनाओं को उजागर करके, प्रवोक करके हिंदुओं से वोट लेने की कोशिश है। और अगले ट्वीट में उन्होंने ये लिखा, मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूक से भूना गया था, 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे, गांव के गांव खाली हो गए थे, सपा की यही पहचान है। तो ये देखिए किस तरीके से अंत और आखिरी समय में बीजेपी, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका हमेशा से ये चाल चलित रहा है कि वो हिंदू मुसलमान के दरमियान खाई पैदा करके अपने राजनीतिक हित को साधने की कोशिश करते हैं, उन्होंने यही काम किया है। अच्छा, इस पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का ट्वीट किया तो लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। फेसबुक पर, ट्विटर पर यानी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो गए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, उसमें से एक ट्विटर यूज़र ने उनको जवाब देते हुए लिखा कि जिस दिन इस देश में लिखा जाएगा दंगों में भारतीयों की मौत हुई, हिंदू मुसलमान की जगह भारतीय लिखा जाएगा, तब सोच लेना कि इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था जो आज भीख मांगने की हालत में है। एक और ट्विटर यूज़र ने इसका रिप्लाई करते हुए लिखा कि आपने तो लाखों हिंदुओं को ऑक्सीजन दवा बेड के बिना ही मार डाला था। जिन लाखों लोगों की लाशें गंगा में बह रही थीं वो हिंदू नहीं थे क्या? जिन ओबीसी के लोगों का आरक्षण घोटाला करके विशेष जाति के लोगों को दे दिया तो वो हिंदू नहीं थे क्या? 15 प्रोफेसर की नियुक्ति में 14 हिंदू, केवल ठाकुर ही मिले थे और क्या कहेंगे। तो इस तरह की बातें लोगों ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री को टैग करना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ट्विटर यूज़र्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिएक्शंस में। और इसके अलावा फेसबुक पर अशफाक अहमद नाम के एक ट्विटर यूज़र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट टैग करते हुए लिखा, हताशा या हताशा, निराशा या निराशा, और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट टैग किया है। तो कह सकते हैं इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार वो तमाम हरकतें करनी शुरू कर दी हैं जिसको ध्रुवीकरण कहते हैं, और बीजेपी हमेशा से इस चीज़ में माहिर रही है जिसको साम दाम दंड भेद कहते हैं। और बीजेपी का ये आखिरी हथकंडा होता है, जब कोई हथकंडा ना काम चले तो साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाने के साथ ही वो चुनाव को जीतने का प्रयास करती है। यही बीजेपी की असली स्ट्रेटजी है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता पर निर्भर करता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के पुराने हथकंडे को पहचान पाएगी या फिर दोबारा से उसके ट्रैप में फंस जाएगी। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।